आईफोन इतना महंगा क्यों है। ऑब्वियसली आपके दिल में भी ये ख्याल आता होगा, क्योंकि मैं भी जब अपने बैंक अकाउंट की हालत, अपनी खाली जेब और नए आईफोन की प्राइस देखता हूँ तो मेरे दिल में भी ये सवाल आता है। अब आईफोन तो मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर बना सकता हूँ। सो लेट्स फर्दर डू माय ट्रली जंप इनटू इट। So before going to start the video, if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new videos. ये actually मैं ना बोलूँ तो दिन नहीं गुजरता तो बोल रहा हूँ। अच्छा, iPhone इतना महंगा क्यों है, इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कल iPhone के नए 3 मॉडल रिलीज हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, जिनमें iPhone 11 है, iPhone 11 Pro है और iPhone 11 Pro Max। कौन बनाता है ये नाम यार, यानी कि जितना महंगा फोन उतना लंबा नाम होना जरूरी है। खैर, आईफोन 11 जो है ये आईफोन XR को रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेस कर रहा है इसका मतलब कि आईफोन XR की ऑडियंस के लिए बनाया गया है, जो कि अपर मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। अपर मिडिल क्लास जो कि दुनिया में कोई है ही नहीं। अपर मिडिल क्लास का मतलब जो कि मिडिल क्लास के ऊपर होते हैं, यानी कि अपनी तरफ से ये गरीबों के लिए फोन बना रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत महंगा फोन है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस $700 है, जो कि कन्वर्ट करके पाकिस्तान में बन जाती है ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 1,40,000 के करीब बन जाती है। लेकिन ऑब्वियसली ये इतने का मिलेगा नहीं आपको, ये कम से कम आपको 220 से 240 के राउंड अबाउट में मिलेगा जब ये आएगा। इसके बारे में आगे बात करूंगा कि इतना महंगा क्यों है। खैर, इस फोन में नया कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बिसाइड्स अगला कैमरा 12 मेगापिक्सल कर दिया गया है और अब आप इससे स्लोमो वीडियोस बना सकते हैं और इसको एक नाम भी दिया गया है स्लोफीज। हाँ, यानी कि स्लोमो और सेल्फी को मिक्स करके स्लोफीज। और उम्मीद है मैं ये वर्ड दोबारा कभी नहीं यूज करूंगा क्योंकि काफी मुश्किल। खैर, यही चीज नई इंट्रोड्यूस की गई है आईफोन 11 में और जैसा कि मैंने पहले बोला ये आईफोन XR को रिप्लेस कर रहा है। तो यानी कि बहुत सारे लोग इसको इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि आईफोन XR को रिप्लेस कर रहा है और वो अपर मिडिल रेंज के लिए है और आईफोन बस अब एक स्टेट सिंबल बन चुका है, तो लोग इसको लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि मैं यार आईफोन 11 प्रो लूं, आईफोन 11 प्रो मैक्स लूं, यानी कि स्टेटस मेरा बना रहे, तो इसको वैसे ही कोई लोग बाय नहीं करने वाले। और वैसे भी अगर आप अपग्रेड करने वाले ही हो तो ये लेने का फायदा नहीं है क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन 720 है, क्योंकि आजकल के दौर में कौन देता है यार आईफोन। एंड्रॉइड में ये सारी चीजें 50,000 में मिल जाती हैं। और खैर, मैं आगे जाके इस पे भी बात करूंगा कि आईफोन की मैन्युफैक्चर क्या है और हमें इतना महंगा क्यों दिया जाता है, वो थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। और उसके बाद रिलीज किया गया आईफोन 11 प्रो एंड आईफोन 11 प्रो मैक्स, यानी कि नाम बड़ा ही करते जा रहे हैं यार। खैर, iPhone 11 Pro और Pro Max में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस पीछे 3 कैमरे दे दिए गए हैं जो कि अब ज्यादा वाइडर रेंज की वीडियो बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। बाकी फ्रंट कैमरा इन्होंने 12 मेगापिक्सल स्टैंडर्ड कर दिया है, अब आगे हर फोनों में 12 मेगापिक्सल ही आएगा और वो स्लोमो वीडियोस बना सकते हैं, वो वर्ड मैंने यूज कर रहा हूँ। वाइडर एंगल इसका बहुत बड़ा कर दिया गया है और आईफोन प्रो की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $1,100 और आईफोन 11 प्रो मैक्स की प्राइस है $1,200 और ये पाकिस्तानी मार्केट में कम से कम 280 से 300 के बीच में मिलेगा। बहुत महंगा फोन है यार, यानी कि पहले तो आप किडनी बेच के ले सकते थे, अब तो आप गुर्दा आंखें सब कुछ बेच दो फिर भी नहीं ले सकते। मैं घर भी बेच दूं नहीं ले सकता क्योंकि मैं जल्दी पूछती एंड्रॉइड यूजर हूँ, पैदा होते ही मेरे हाथ में सिर्फ एंड्रॉइड फोन पकड़ाया गया था। खैर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नए आईफोन जो रिलीज हुए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन इतना महंगा क्यों है। उससे पहले मैं अपना एक दुख शेयर कर दूं, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे वीडियोस बनानी होती है, उसके लिए अच्छा फोन चाहिए क्योंकि कैमरा तो है नहीं। अब मैं एंड्रॉइड यूजर हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया पैदाइशी एंड्रॉइड यूजर हूँ, तो मैं भी आईफोन लेना चाहता हूँ लेकिन इतना महंगा हो गया कि मैं ले नहीं सकता हूँ। तो अभी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने आज तक लाइफ में फोन कौन से यूज किए। तो सबसे पहले जो फोन मैंने यूज किया अपनी लाइफ में वो था नोकिया 3310। इस फोन को कौन नहीं जानता है, लाइक सीरियसली कोई लूटने भी आता था ना तो ये मारो तो सर खुल जाता था उस बंदे का। लाइक अभी तक ये चलता है, वो बात लेता है, मैं इसको चार्ज नहीं करता हूँ लेकिन ये चलता है। जब मैं इसको चार्ज करता हूँ चार्जर भी नहीं मिलता मुझे, मैंने कहाँ रखा है मैं भूल गया हूँ। खैर, ये मैंने लिया था 2003 में, 10,000 का पड़ा था उस टाइम मुझे और ये मैंने 2003 से लेके 2007 तक चलाया था। मजा दिया है भाई इस फोन ने और सांप वाली गेम जो मैंने खेली है ना उसने तो जिंदगी बना दी है। और उसके बाद जो अगला फोन मैंने यूज किया था वो था नोकिया पार्ट 33। ये लिया था मैंने 2007 में, 14,000 का पड़ा था मुझे और इसकी आवाज भाई पूरा मोहल्ला सुनता था। इस पे भी मैंने बहुत इंजॉयमेंट की है, ये भी चलता है, वो बात लेता है मैं चार्ज नहीं करता लेकिन ये मैंने चार्ज करके रखा था। खैर, ऑन हो गया।
वो तो मैंने बिल्कुल ही नहीं चार्ज किया, लेकिन ये मैंने चार्ज करके रखा हुआ, फिर भी बैटरी खत्म हो गई। लेकिन नोकिया के फोन आपको पता है कि ड्यूरेबल है, देखो कितने सालों के लेके रखे हुए हैं, 2003 2007, लेकिन अभी तक चल रहे हैं, ड्यूरेबल फोन होते थे। इसका कैमरा था 2 मेगापिक्सल, लेकिन खैर गुजारा था उस टाइम में, अच्छा फोन था ये। और ये फोन मैंने चलाया था 2007 से लेकर 2010 तक। अगला फोन मैंने लिया था C3, ये मैंने लिया था 2010 में, ये 2010 से लेकर 2012 तक मैंने चलाया था। ये भी बहुत अच्छा फोन था, पहला फोन था जिसमें WhatsApp लॉन्च किया गया था और वाईफाई था इस फोन में, लाइक 2012 में वाईफाई मिल जाना फोन में बड़ी बात थी। और ये मैंने लिया था तकरीबन 12,000 का और ये भी अभी तक चलता है, लाइक सीरियस नोकिया के फोन वर्थिड होते थे। और इनकी रीप्राइस भी बहुत अच्छी है, यानी कि अभी भी मैं अगर इनको सेल करने जाता हूँ तो 3-4 हजार मुझे मिल जाता है पाकिस्तान में, जहाँ पे मैं दूसरे एंड्रॉइड फोन सेल करने जाऊँ तो वो इतने वर्थिड नहीं होते सेल करना। इसीलिए मैं अपने फोन सेल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी चीजें बेचना, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से ली होती है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करके पैसे कमाए। खैर, और अगला फोन मैंने लिया था HTC Rhyme AKA HTC 6330। इसका डॉक मिला था, यानी कि डॉक में लगा के आप बड़ी आवाज में चीजें देख सकते थे, डॉक के चक्कर में लिया था फोन, लेकिन फोन अच्छा था। खैर अभी इसकी बैटरी फूल गई है थोड़ी सी, तो बहुत मसला करता है, ये चार्ज करके ही ऑन होता है, यानी कि चार्जर पे लग के ही ऑन होता है, बैटरी फूल गई लेकिन ऑन होता है ये फोन होता है। तो ये भी बड़ा अच्छा फोन था, इसका कैमरा बहुत अच्छा था। HTC का फोन मैंने कैमरे की वजह से ही लिया था और इसने अपना पैसा वसूल किया है, लेकिन अभी भी चल रहा है, यानी कि थोड़ा सा खर्चा कराएगा लेकिन सही होकर चल जाएगा। इसके बाद मैंने लिया था Samsung Galaxy A5, 2015 एडिशन था ये, और ये मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, लाइक मेरा सेकेंडरी फोन है ये, मोस्टली मैं नया फोन जो लिया है वो यूज करता हूँ, लेकिन ये अभी भी बहुत अच्छा फोन है। एक बार मैंने इसकी LCD तोड़ी भी हुई है, दोबारा रिप्लेस की थी, उस चक्कर में इसका ये बटन की लाइट उन्होंने खराब कर दी, ये वाले बटन की लाइट नहीं जलती, बट खैर मुझे अच्छा लगता है ये फोन, वर्थ इट है। 16 GB उस टाइम में बहुत होता था, लाइक 2000 मैंने ये 14 में लिया था, 2014 से लेके 2017 तक मैंने चलाया है, यानी कि 3 साल मैंने इसको दिए। हालांकि मैंने जल्दी ले लेना था, लेकिन मुझे लैपटॉप शैपटॉप लेने पड़ गए बीच में, तो इसलिए अगला फोन मैंने 1 साल लेट लिया, लेकिन खैर ये बहुत वर्थ इट फोन था, 2015 एडिशन, और ये सैमसंग की तरफ से पहला फोन था जो मेटल बॉडी में था, इसलिए मैंने लिया था, क्योंकि इससे पहले जितने भी सैमसंग फोन बनाता था वो प्लास्टिक की बॉडी के होते थे, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, और ये बहुत वर्थ इट फोन था, मैं अभी भी यूज करता हूं Avengers। और इसके बाद मैंने लिया Huawei Nova 3i, ये मैंने 2018 में लिया है और ये मेरा अभी बेसिक फोन है जो मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छा फोन है, ये वीडियोस भी इसी से रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन क्योंकि आज मुझे ये फोन दिखाना था वीडियो में, तो इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने भाई के फोन से, जो कि है Y9 Prime से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर क्वालिटी कोई डिफरेंट लगे तो समझ जाओ क्यों मैं, क्योंकि मैं Y9 Prime से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। मोस्टली मैं इससे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपनी YouTube या TikTok भी, जो भी मैं बनाता हूँ इससे बनाता हूँ। फोन बहुत अच्छा है, लेकिन फोन में एक मसला है कि अगर आप YouTube की ऐप को ऐसे प्रेस करके रखोगे तो ये मेन्यू खुल जाता है, यानी कि आप सिंपली सब्सक्राइब नहीं कर सकते मुझे, इसके लिए आपको सर्च ही करना पड़ेगा, ये नीचे सर्च में जाके मेरा नाम लिखो और सब्सक्राइब कर लो यार, बड़ी मेहनत करता हूँ, प्लीज कर लो यार, हालत खराब हो जाती है वीडियो बनाते हुए। खैर ये मेरा लास्ट फोन है जो मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फोन है, लेकिन अब मैं आईफोन पे स्विच होना चाहता हूँ, क्योंकि स्लोमोज नहीं बनते और आजकल स्लोमोज ही चलते हैं। तो खैर अब मैं आपको बताता हूँ आईफोन इतना महंगा क्यों है। ऐसा नहीं है कि आईफोन दूसरे मुल्कों में महंगा नहीं है, आईफोन यानी कि USA के हिसाब से भी बहुत महंगा है, क्योंकि आईफोन 11 जो है वो $700 का है, और ये सो कॉल अपर लो क्लास लोगों के लिए है, लेकिन सबको पता है ये एक्सपेंसिव फोन है, क्योंकि इसके लेवल के फोन जो कि एंड्रॉइड दे रहा है वो आपको $300-$400 में मिल जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन क्योंकि ये आईफोन है, क्योंकि स्टेटस सिंबल है, तो ये इतना महंगा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका वाली साइड पे महंगा है, ये पूरी दुनिया में आईफोन बहुत महंगा है, क्योंकि एक सिंबल के तौर पे बेचा जाता है। इसका रीजन क्या है, दो तरीके होते हैं कमाई करने के, एक आप बल्क में चीज बेचो, आप चीज अच्छी बनाओ लेकिन ज्यादा तादाद में बेचने के लिए आप उसकी प्राइस थोड़ी सी इतनी रेंज में रखो कि हर कोई ले सके, जैसा कि एंड्रॉइड करता है, वो इतनी रेंज में फोन देता है कि हर कोई बाय कर सके। और दूसरा तरीका प्रॉफिट कमाने का ये होता है कि चीज महंगी बेचो, कम बेचो लेकिन महंगी बेचो, उससे ये क्या होता है कि कमाई आपकी उतनी ही हो जाती है, क्योंकि आप कम प्रोडक्ट बेच रहे हो लेकिन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रहे हो। खैर लेकिन सबसे बड़ा रीजन होता है टैक्स लगना। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे टैक्स लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का GDP बहुत कम है, AKA ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स,
यानी कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बहुत कम बिकते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। लेकिन इन टैक्सेस का आगे एक फायदा भी है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या फायदा है। लेकिन टैक्सेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, हालांकि दूसरे मुल्कों में भी लगते हैं, क्योंकि इंडिया में फोन नहीं बन रहा है तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए भी ये फोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्योंकि चाइना में ये फोन असेंबल हो रहे हैं तो चाइना में बिल्कुल टैक्स नहीं लग रहा है। और यही फायदा होता है जब किसी मुल्क में खुद फोन असेंबल या प्रोडक्ट असेंबल हो रहा हो तो उस मुल्क में टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। आप अपने मुल्क में बनाते हो तो आप इंपोर्ट करने के चार्जेस नहीं लगाते, लेकिन क्योंकि इंडिया ये इंपोर्ट करता है चाइना से तो उधर रेट इसका काफी हद तक ज्यादा है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमारा जीडीपी उससे भी ज्यादा कम है तो यहाँ रेट बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तान में टैक्स इतना ज्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जीडीपी कम है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि चीजें यहाँ कम बिकती है। और टैक्स ज्यादा लगाने का मतलब ये है कि लोग कम खरीदें, क्योंकि आईफोन बहुत एक लाइक स्टेटस सिंबल बन चुका है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी इतनी ज्यादा है। सिर्फ वही लोग इसको खरीदते हैं जो खरीद सकते हैं, हर कोई वही चीज खरीदता है जो खरीद सकता है, लेकिन आईफोन तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, वो लोग भी नहीं खरीद सकते जो खरीद सकते हैं, उनको भी थोड़ा सा रुकना पड़ता है इसको लेने के लिए। और इस पे इतना ज्यादा टैक्स लगाने का रीजन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट को पता चले कि आईफोन की मार्केट इतनी बड़ी है इस मुल्क में, और हो सके तो वो इस मुल्क में आके असेंबल करने के लिए सोचे, क्योंकि अगर पाकिस्तान में फोन असेंबल किए जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें चीप रेट में मिलेंगे, इतने चीप नहीं मिलेंगे, आईफोन फिर भी इतना चीप नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ चीप हो जाएगा। अगर आपके मुल्क में फोन असेंबल किए जाते हैं तो ऑब्वियसली इससे आपके मुल्क को फायदा होता है, आपका मुल्क तरक्की करता है, तो इससे ये फायदा होगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। खैर ये बात की बात है, लेकिन अभी जो ये टैक्सेस लग रहे हैं ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमें बहुत बुरे लग रहे हैं, लेकिन ये मुस्तकबिल में हमारे मुल्क को तरक्की देंगे और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा। तो अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल बेहतर होने वाला है, हमारे बच्चों के लिए तो अच्छा ही होगा। खैर तो ये वजह है कि इस मुल्क में टैक्स इतने लग रहे हैं। खैर अब मैं ये आपको बताता हूँ कि ये फोन महंगा क्यों है। सबसे बड़ा रीजन आईफोन महंगा होने का ये है कि ये प्रोडक्ट सिंबल बन चुका है, यानी कि रॉयल क्लास लोगों के पास ये फोन रह गया है। एक ये रीजन है इस फोन को महंगा होने का, और ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा आईफोन की सर्विसेज, लाइक आईफोन आपको बहुत उम्दा सर्विसेज देता है जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं दे पाते, जैसा कि अगर आपका फोन वारंटी के अंदर खराब होता है तो आपको आईफोन नया फोन देता है, उसको रिप्लेस कर देता है, यानी कि आपको फोन नया पकड़ा देता है। वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि हम इसको ठीक करेंगे या जो भी है, जहां तक कि बाकी कंपनीज आपको बड़ा तंग करती हैं इस मामले में, लेकिन आईफोन ये बिल्कुल नहीं करता, अपने यूजर्स को बिल्कुल तंग नहीं करता। जैसे ही आपका फोन खराब होगा आप क्लेम करोगे तो आपको नया फोन दे देगा, लेकिन क्लेम करने के लिए आपको ओरिजिनल आईफोन के ऑफिस जाना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। पहले था, आई गेस 2013 तक था पाकिस्तान में आईफोन का ऑफिस, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है, कोई आउटलेट नहीं है आईफोन का पाकिस्तान में, और थर्ड पार्टीज भी नहीं है आईफोन की। थर्ड पार्टीज क्या होती है, यानी कि आईफोन इधर के डीलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे कि आप इतने फोन भेज दो तो हम आपको आईफोन दे देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी आईफोन पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं वो हमें चाइना से खुद मंगवाने पड़ते हैं। खुद मंगवाने पड़ते का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ के डीलर वहाँ के डीलर से मंगवाते हैं, लाइक आईफोन ऑफिशियली नहीं भेजता हमारे मुल्क में कोई भी फोन, वो यहाँ के डीलर वहाँ के डीलर से मंगवाते हैं। और इससे क्या होता है कि जब आईफोन यहाँ भेजा जाता है तो विदाउट डब्बा भेजा जाता है, क्योंकि अगर आईफोन डब्बे के साथ भेजा जाएगा तो वो उस पे ज्यादा टैक्स लगेगा। तो हमारे डीलर क्या करते हैं, यहाँ पे आईफोन को विदाउट बॉक्स मंगवाते हैं, और अगर वो डील करें तो एक्सेसरीज लेता है दूसरे डब्बों में आ जाती है, लेकिन अकेला फोन ही आता है हमारे मुल्क में, और जो हमें डब्बा मिलता है यहाँ पे वो यहीं पे दोबारा से बना के रीपैक किया जाता है। यही रीजन है कि इन पे टैक्स ज्यादा लगाया ताकि ये चीज रोकी जाए, और ये काफी हद तक चीज रुकती जा रही है। ये चीज रुक जाएगी तो आईफोन ऑफिशियली मंगवाया जाएगा, उससे क्या होगा कि हमारी जीडीपी बेहतर होगी। जीडीपी कैसे बेहतर होगी, क्योंकि ये जितने भी फोन पाकिस्तान में मंगाए जाते हैं आईफोन, ये चाइना के डीलर सेल करते हैं, ये चाइना की मार्केट में सेल होते हैं, यानी कि ये फोन सेल ही चाइना में हो रहा है, यहाँ पे तो हम लोग एमी बस ले रहे हैं, तो ये किसी खाते में नहीं जाता है जो फोन हमारे मुल्क में आता है। अगर हम ये फोन खुद मंगवाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये फोन हमारे खाते में जाएगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, यानी कि अभी एप्पल अपना टीवी प्लस भी लॉन्च कर रहा है, जिसकी एक साल की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दी जा रही है, जैसे कि डिज्नी अपना डिज्नी प्लस लॉन्च कर रहा है। खैर इसके बारे में कभी और बात करेंगे, अपने शोज लॉन्च कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज है। खैर एट दी एंड ऑफ द डे ये साबित होता है कि आईफोन बहुत महंगा फोन है, मैं तो ले नहीं सकता, आप ले लें अगर ले सकते हैं। सो गाइस दैट इज फॉर दिस इज माय वीडियो अबाउट आईफोन। इफ यू लाइक वाचिंग दिस video, please give me a big thumbs up. If you want to suggest me something or you have any question, please write that in the comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Musical.ly नहीं है यहाँ पर, TikTok का like है. Basically, I'm everywhere. Simply search NABLSHZ and you will find me. You can also click here to watch my vlog about the recent MNG, and you can also click here to watch my recent video. Bye, take care, peace.